हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं LSA टाइप 7 की। इससे पहले आपको थ्योरी वीडियो मिल चुका होगा इसका। उस थ्योरी वीडियो के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपने थ्योरी वीडियो कंप्लीट नहीं किया है तो आप उसको एक बार जाके देख लें अच्छे से, उसके बाद लैब करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। LSA टाइप 7 को स्टब एरिया की बात करेंगे, इधर टोटली स्टब एरिया की बात करेंगे, NSSA एरिया की बात करेंगे एंड टोटली NSSA एरिया की बात करेंगे। इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग लैब करने वाले हैं। ओके, प्रीवियस लैब के अंदर मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया था वो ये था कि हम लोगों ने टाइप 4 एंड टाइप 5 LSA की लैब कंप्लीट की थी, राइट। टाइप 4 और टाइप 5 के अंदर मैंने कुछ ऐसा डायग्राम था, एरिया 6 राउटर अटैच नहीं किया था मेरा, एरिया 0, एरिया 5 और EIG RP डोमेन। EIG RP डोमेन मीन्स R5 राउटर पे जब रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे तो LSA 5 का किस तरीके से OSPF डोमेन में फ्लडिंग हो रही है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ ये भी बात की थी कि ABR किस तरीके से LSA 4 जनरेट कर रहा है जिस एरिया में ASPR प्रेजेंट नहीं है, राइट। उसके पीछे रीजन है ABR का, अदर एरिया के अंदर जो LSA 4 जनरेट हो रहा था वो कॉस्ट के लिए हो रहा, क्योंकि कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अदर एरिया के पास अवेलेबल नहीं होगी ASBR तक जाने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेती। इस डायग्राम में मैंने एक एरिया और अटैच किया हुआ है, एरिया 6, राइट। इस टोपोलॉजी, अगर आपके पास प्रीवियस ऐसी टोपोलॉजी बनी हुई है तो उसमें आप एक एरिया 6 अटैच कर लीजिए, राइट, और उस पर एक नेटवर्क असाइन कर दीजिए, कोई भी जो आपको लगता है बेटर है, या फिर 116 का कोई नेटवर्क असाइन कर दीजिए। ओके, इस टोपोलॉजी को क्रिएट करने के बाद मैं अभी इस टोपोलॉजी के अंदर कंप्लीट कॉन्फिग्रेशन है जो हम लोगों ने LSA 4 और LSA 5 की कॉन्फिग्रेशन की थी, राइट। तो मैं LSA 4 और 5, क्योंकि अभी EIG RP डोमेन को मैंने OSPF के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इसलिए EIG RP के सभी नेटवर्क OSPF के डोमेन में LSA 5 के फॉर्म में अपडेट हो रहे होंगे। अगर जिसमें ASBR अटैच है उस एरिया के अंदर केवल और केवल आपको LSA 5 मिलेंगे, अदरवाइज जितना भी OSPF का कंप्लीट डोमेन है इंटर एरिया बेस्ड नेटवर्क, उन सभी एरियाज के अंदर आपको LSA 4 एंड 5 दोनों की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। आपको पता होना चाहिए कि LSA 5 एरिया इंडिपेंडेंट है, एरिया की कोई भी इंफॉर्मेशन LSA 5 के साथ अटैच नहीं होती, इसलिए वो आपको सभी एरिया के अंदर अवेलेबल मिलेगा। ओके, तो अभी मैं R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ। मैं अगर बात कराऊँ तो मैंने अभी तक LSA 4 एंड 5 की अपडेट सभी राउटर पे अवेलेबल है। ये आपका R1 राउटर है, टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग आप देखिए ध्यान से। तो R1 राउटर पे मैंने 100 IP OSPF डेटाबेस, सॉरी 100 IP OSPF डेटाबेस किया हुआ है। तो R1 राउटर के पास टाइप 1 LSA भी अवेलेबल है, टाइप 2 LSA अवेलेबल है जो इसके एरिया के हैं, एंड टाइप 3 मीन्स इसके पास समरी LSA प्रेजेंट है, एंड ASBR समरी मीन्स LSA 4 भी प्रेजेंट है, और टाइप 5 LSAs भी प्रेजेंट है। मीन्स आप इधर देख रहे हैं तो R5 राउटर पे LSA का डेटाबेस का साइज इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे LSAs की इंफॉर्मेशन R1 राउटर पे प्रेजेंट है। ओके, एंड इस तरीके से अगर बात करें तो आपका जो R4 राउटर होगा, R4 राउटर ASBR जिस एरिया में प्रेजेंट है उसी एरिया के अंदर आपका R4 राउटर है, राइट। तो R4 राउटर की अगर हम लोग बात करें तो R4 पे आपको LSA 4 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, OSPF डेटाबेस ये आप चेक कर लो, क्योंकि R4 ASBR जिस एरिया के अंदर है उसी एरिया में प्रेजेंट है, इसलिए LSA 4 की इंफॉर्मेशन इधर अपडेट नहीं है। 1, 2, 3 एंड 5, एरिया 5 एरिया इंडिपेंडेंट है, इसके साथ कोई भी एरिया की इंफॉर्मेशन अटैच नहीं होगी। बट अभी जो हम लोग LSA 7 या स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टब एरिया। व्हाट इज स्टब एरिया, राइट, देखते हैं।
स्टब एरिया का मीनिंग क्या है इस बात को समझते हैं। थ्योरी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि स्टब एरिया का मतलब यह है कि जिस एरिया को आप एज ए स्टब एरिया क्रिएट कर दोगे उस एरिया में LSA 5 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। मींस टाइप 5 LSA स्टब एरिया के अंदर अपडेट नहीं होंगे। इट मींस मैं अभी R5 राउटर पे को एरिया 5 को स्टब एरिया बनाने वाला हूँ कंप्लीटली, और एरिया 6 को भी स्टब एरिया बनाने वाला हूँ। इट मीन्स R1, R2 या फिर R6 राउटर पे LSA 4 एंड 5 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी, जबकि अभी R1 पे मैं आपको चेक करा चुका हूँ और R6 पे भी मैं आपको चेक कराता हूँ कि R6 राउटर पे भी डेटाबेस की LSA 4 एंड 5 की इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। सो IP OSPF डेटाबेस, देखिए ध्यान से, ये आपका R6 राउटर है जो कि एरिया 6 में कनेक्ट है, और इधर आप ध्यान से देखें तो LSA 1, 2, 3 एंड समरी LSA, समरी ASBR मीन्स LSA 4 एंड LSA 5, ये सारी इंफॉर्मेशन अटैच है, राइट। तो इट मीन्स डेटाबेस का साइज काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। तो हम लोग जो स्टब एरिया क्रिएट कर रहे हैं वो इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि जो मेन कंसर्न ये है कि हमें डेटाबेस के साइज़ को रिड्यूस करना है, और कैसे डेटाबेस के साइज़ को रिड्यूस करेंगे इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। डेटाबेस साइज़ को रिड्यूस करने के लिए अगर मैं एरिया 5 को स्टब एरिया क्रिएट कर देता हूँ तो एरिया 5 में LSA 4 और 5 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी, और एरिया 6 में भी LSA 4 और 5 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी अगर मैं इन दोनों एरियाज को एज ए स्टब एरिया क्रिएट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टब एरिया बनाते हैं। R1 राउटर पर आ गए हम लोग, राइट, ध्यान से देखें, R1 राउटर को मैं स्टब एरिया क्रिएट करता हूं तो सिंपल कमांड है राउटर OSPF 1 एरिया 5 है तो आप 5 दे देंगे स्टब, बस सिंपल कमांड है, ओके। बट अभी होगा क्या, आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी नेबरशिप डाउन हो चुकी है। मैंने आपको बताया हुआ था थ्योरी वीडियो में कि नेबरशिप की इंफॉर्मेशन मीन्स जैसे ही जो स्टब एरिया की इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन R1 हेलो के साथ नेबर को एक्सचेंज करेगा, और R2 राउटर को ये पता चल चुका है कि सामने वाला राउटर स्टब एरिया में अटैच हो चुका है, ज्वाइन हो चुका है, और R2 स्टब एरिया का पार्ट नहीं है, इसलिए नेबरशिप डाउन हो चुकी है, राइट। इट मीन्स मुझे R2 को भी स्टब एरिया का पार्ट बनाना पड़ेगा, स्टब एरिया का मेंबर बनाना पड़ेगा, ओके। R2 राउटर पे आ जाते हैं, अभी मेंबरशिप अप हो जाएगी, राइट, जैसे ही मैं इस राउटर को स्टब एरिया में ज्वाइन करा दूंगा, राउटर 2 डन, देखिए नेबरशिप अप आ जाएगी, ओके, अप हो गई नेबरशिप, ओके। R3 राउटर, क्योंकि सभी राउटर्स को बनाना है मुझे, डन, राउटर OSPF एरिया 5 स्टब, फाइनल कमांड ये है आपकी, ठीक है। इधर भी नेबरशिप अप हो चुकी है, क्योंकि पहले नेबरशिप डाउन हो गई होगी, अभी नेबरशिप अप शो कर रहा है आपका, फुल स्टेट के अंदर नेबरशिप आ गई। तो इस तरीके से मैंने क्या किया हुआ है, सिंपली एरिया 5 के अंदर जितने भी राउटर्स थे R1, R2 एंड R3 को स्टब एरिया का पार्ट बना दिया। इट मीन्स हमारा R5 जो एरिया 5 है वो स्टब एरिया बन चुका है, और रूल के अकॉर्डिंग स्टब एरिया के अंदर LSA 4 एंड 5 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी, क्योंकि LSA 5 अपडेट होगा नहीं स्टब एरिया में, तो 4 भी इनका इंफॉर्मेशन भी अपडेट नहीं होगी, क्योंकि 4 तो 5 पे डिपेंड है ना, ओके। चेक कर लेते हैं, R1 राउटर पे आप इजली आ जाइए और अगेन आप कमांड रन कराइए सो IP OSPF डेटाबेस, इधर आपको 4 एंड 5 की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। देखिए ध्यान से, अभी आपका LSA 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5 इधर से जा चुके, ओके। तो क्या हो रहा है, डेटाबेस का साइज रिड्यूस हो रहा है। तो इट मीन्स आपने स्टब एरिया बनाया हुआ है तो आपने डेटाबेस साइज को रिड्यूस कर लिया है। हमने ये बात की थी कि जैसे ही आप स्टब एरिया बनाओगे, स्टब एरिया बनाने के बाद आपका जो ABR राउटर है, एरिया बॉर्डर राउटर, वो एक डिफॉल्ट राउट जनरेट करेगा, ठीक।
ठीक है, टूवर्ड्स एरिया 5। डिफॉल्ट राउट जो जनरेट करेगा वो इन फॉर्म ऑफ LSA 3 जनरेट करेगा, बट वो डिफॉल्ट राउट होगा, वो भी अभी आपका समरी LSA में शो कर रहा है, आप ये देखिए ध्यान से। ओके, लिंक आईडी शो कर रही 00, ये एक डिफॉल्ट राउट है जो ABR ने जनरेट किया हुआ है एरिया 5 के लिए। ओके, बट ABR का फीचर क्या है, वो हमेशा समरी LSA अपडेट करता है, तो इन फॉर्म ऑफ समरी LSA ABR ने अपडेट किया हुआ है एरिया 5 में। ओके, क्लियर हो गई बात यहां तक। इसके साथ मैंने आपको यह भी बताया था, ऐसे ही मैं R6 पे चेक कर लेता हूं, अभी तक ये देखिए सभी LSAs की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही थी, बट इस एरिया को मैं स्टब एरिया बना देता हूं। राउटर OSPF 6, ओके एरिया, दिस इज एरिया 6 एंड स्टब, डन। नेबरशिप डाउन, क्योंकि आपको ABR का जो दूसरा इंटरफेस है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। ABR आपका R3 है, R3 पे जाके आपको राउटर OSPF प्रोसेस ID 3, इस एरिया के लिए एरिया 6 को आप बना रहे हो स्टब, डन। नेबरशिप अप हो जाएगी, देखिए ध्यान से नेबरशिप अप हो चुकी है, मैसेज आ गया। ठीक है, तो जो आपका R6 है, इस R6 राउटर पे अभी तक सभी LSAs की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही थी, डन, बट अभी आपको 4 और 5 की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या बन चुका है, स्टब एरिया। सो IP OSPF डेटाबेस देख लीजिए आप ध्यान से, और एक डिफॉल्ट राउट भी आ चुका है, डिफॉल्ट राउट LSA आ चुका है, LSA राउट मैं आपको भी चेक करा रहा हूं। ठीक है, तो डन, ये सारी चीजें समझ में आ गई कि किस तरीके से LSA का जो डेटाबेस साइज है वो रिड्यूस हो रहा है, बट अभी और रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास डिफॉल्ट राउट की इंफॉर्मेशन है, देन आपको LSA 3 की इंफॉर्मेशन भी अपडेट नहीं करनी चाहिए। सुनिए ध्यान से इसको, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आपने इसको स्टब एरिया बना लिया R5 को, आपने R6 को स्टब एरिया बना लिया, स्टब एरिया बनते ही जो आपका ABR राउटर है उसने स्टब एरियाज में 4 और 5 को अपडेट नहीं किया, वो चेक हो गया आपको, दोनों ही राउटर R1 एंड R6 पे 4 और 5 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं है, डन। बट अभी हुआ क्या, जैसे ही आपने स्टब एरिया क्रिएट किया है, R3 ने एरिया 5 के लिए एक टाइप 3 LSA डिफॉल्ट राउट अपडेट किया है, एक डिफॉल्ट राउट इन फॉर्म ऑफ टाइप 3 LSA एरिया 5 में अपडेट हुआ है, एक डिफॉल्ट राउट इन फॉर्म ऑफ टाइप 3 LSA एरिया 6 के अंदर अपडेट हुआ है, जैसे मैंने इन दोनों एरियाज को स्टब एरिया बनाया, डन। तो अभी R1 के पास डिफॉल्ट राउट है ABR तक जाने के लिए, R2 के पास भी डिफॉल्ट राउट है ABR तक जाने के लिए, मैं चेक करा देता हूं, R1 पे आपको डिफॉल्ट राउट मिलेगा। सो IP राउट OSPF, ये देख ली, कोई डाउट इसी तरीके का नहीं, R6 राउटर के पास डिफॉल्ट राउट है, अब इधर आप R1 पे चेक कर लीजिए, सो IP राउट OSPF, इसके पास भी डिफॉल्ट राउट है ABR तक जाने के लिए। ओके, ABR का राउटर आईडी चेक कर लो आप, इसके पास भी डिफॉल्ट राउट है, उसके बाद आपका जो R2 राउटर है जो एरिया 5 में कनेक्ट है, इसके पास भी डिफॉल्ट राउट अवेलेबल होगा, इसके पास भी डिफॉल्ट राउट है। मींस मैं बोलना आपको ये चाह रहा हूं कि भाई R1, R2, R6 सभी के पास डिफॉल्ट राउट की इंफॉर्मेशन है R3 तक जाने के लिए, R3 पे सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, मींस LSA 5, LSA 1, LSA 2, मींस इंटर एरिया के जो भी LSAs आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सारे LSA 3, सारी इंफॉर्मेशन R3 राउटर के पास अवेलेबल है। तो फिर आप R1 पे जो आपका टाइप 3 LSA आ रहा है, मींस समरी LSA आ रहा है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उस समरी LSA को भी रोक सकते हो, क्योंकि R1 डिफॉल्ट राउट की हेल्प से R3 पे आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, R3 पे समरी LSA की इंफॉर्मेशन, मींस
अदर इंटर एरिया की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो एरिया 5 है और एरिया 6 ये टोटली स्टब एरिया बन जाएगा। अगर मैं LSA 3 मीन्स टाइप 3 LSA को रोक देता हूँ, राइट, उससे रिचेबिलिटी नहीं रुकेगी। आप ध्यान से बात समझिएगा, उससे रिचेबिलिटी नहीं रुकेगी, क्योंकि रिचेबिलिटी के लिए क्या होगा, डिफॉल्ट राउट अवेलेबल है दोनों ही एरिया के अंदर, तो रिचेबिलिटी नहीं रुकने वाली, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं LSA 3 को भी रोकने वाला हूँ कि वो स्टब एरिया के अंदर अपडेट ना हो। ओके, जैसे ही मैं LSA 3 को जब रोकूंगा तो उसको बोलूंगा मैं टोटली स्टब एरिया। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ABR राउटर पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि LSA 3 को अगर स्टॉप करना है मीन्स आपको समरी को बंद करना है, देन ABR राउटर पे आप आ जाइए, राउट OSPF प्रोसेस ID 3 एरिया 5। ओके, एरिया 5 स्टब एंड नो समरी, डन। अब जैसे ही मैंने नो समरी कमांड चलाई R3 पे, R5 पे आपको LSA 3 की इंफॉर्मेशन, R1 पे मींस एरिया 5 के अंदर किसी भी राउटर पे आपको LSA 3 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं मिलेगी। ओके, ऐसे मैं R6 के लिए भी कर देता हूं, कि R6 में क्या है, एरिया 6 स्टब नो समरी, डन, दोनों के लिए कर दिया। इट मींस R6 पे भी अभी तक आपके पास समरी LSA के अंदर इन सब की इंफॉर्मेशन आ रही थी, LSA 3 के जितने भी टाइप 3 LSA सब की इंफॉर्मेशन आई थी, बट अब नहीं आएगी, राइट। आप चेक कर लीजिए, डन, आपने LSA के डेटाबेस साइज को रिड्यूस कर दिया। आप देखिए अभी तक कितने नेटवर्क्स, कितने LSAs अपडेट हो रहे थे, बहुत सारे LSAs आ रहे थे। अभी आपका टाइप 1 LSA, टाइप 2 मींस नेटवर्क LSA की इंफॉर्मेशन है, प्लस एक डिफॉल्ट राउट है। ओके, अगर आप राउट की इंफॉर्मेशन की बात करें तो 100 IP राउट OSPF, देखिए अभी आपके पास डेटाबेस साइज डिक्रीज हो चुका है, राइट, आपको समझ में आ रहा होगा। अब R1 राउटर पे आ जाइए, इस पर आप डेटाबेस चेक कर लीजिए, डन। इधर भी टाइप 1 टाइप 2 LSA जो एरिया के, सिंगल एरिया के अंदर वैलिड है, अदर एरिया में अपडेट नहीं होते, वैसे ही आपको इन्हीं दोनों की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और एक आपके पास डिफॉल्ट राउट इन फॉर्म ऑफ LSA 3 होगा। आप चेक कर लें, 100 IP राउट OSPF। ओके, बट रिचेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, आपको रिचेबिलिटी चेक करनी है, तो रिचेबिलिटी चेक करा देता हूँ मैं आपको। R1 राउटर पे आप हैं, R1 राउटर पे से आपको एक्सटर्नल नेटवर्क्स कनेक्ट करने हैं, राइट। एक्सटर्नल नेटवर्क में कनेक्ट कर लेता हूँ, 10.10.1.1, डन, कनेक्टिविटी हो रही। अब देखिए किसी को भी करिए, आप 2 नेटवर्क को कर लीजिए, 3 का कर लीजिए, और रूट की इंफॉर्मेशन आपके पास ये है। आप देखिए डिफॉल्ट राउट की हेल्प से ही आप ABR तक जा रहे हैं, और ABR के आगे तो ABR के पास तो सभी इंफॉर्मेशन है, एक्सटर्नल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है और इंटर एरिया नेटवर्क्स की भी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो आपका स्टब एरिया कंप्लीट हो चुका है, एंड टोटली स्टब एरिया कंप्लीट हो चुका है, राइट, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स डन। ओके, अब NSSA एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक LSA 7 की बात हम लोगों ने नहीं की। अभी तक हम लोगों ने ये बात की किस तरीके से डेटाबेस के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्टब एरिया एंड टोटली स्टब एरिया। ओके, अब NSSA की बात करते हैं। NSSA में क्या होता है कि जो भी सपोज आपका एरिया 5 है और एरिया 5 पे आप किसी एक्सटर्नल डोमेन के साथ, किसी एक्सटर्नल डोमेन को OSPF के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट कराना चाह रहे हो, OSPF के नेटवर्क के साथ मर्ज करना चाह रहे हो, तो इट मीन्स मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि जो मेरा राउट R5 है, इस R1 है एरिया 5,
इधर एक नया डोमेन है डीप वर्जन 2 के साथ ये नेटवर्क्स हैं। मीन्स अभी OSPF के साथ एक एक्सटर्नल नेटवर्क था EIGRP डोमेन का, अब मैं OSPF के साथ एक एक्सटर्नल नेटवर्क और लगाने वाला हूँ रिप डोमेन का। ओके, अब अगर मैं R5 राउटर, तो स्टब एरिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, R5 राउटर क्या है? स्टब। अगर मैं रिप डोमेन के जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा OSPF में R1 राउटर पे, तो आपको भी पता है कि जैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये LSA5 जनरेट करेगा, SVR बनेगा और LSA5 जनरेट करेगा। और R1 जब LSA5 जनरेट करेगा, आपका एरिया क्या है? स्टब एरिया। और स्टब एरिया में LSA5 अलाउ नहीं, राइट? इट मीन्स ये ASBR नहीं बन पाएगा। तो ASBR नहीं बन पाएगा, अदरवाइज आपको ASBR बनाना है तो फिर ये एरिया आपका स्टब एरिया नहीं बन पाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया। इसका सोल्यूशन ये था कि NSA से एरिया क्रिएट कर देते हैं, Area5 को क्या बना देते हैं? NSA से एरिया। ओके, और NSA से एरिया क्रिएट करने के बाद R1 राउटर पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिप डोमेन के नेटवर्क्स का। और उसके बाद जो R1 राउटर है, ये R1 राउटर NSA से ASBR बन जाएगा। और अब ये LSA5 जनरेट नहीं करेगा, अब ये LSA7 जनरेट करेगा, राइट? मैंने थ्योरी में बताया, अब ये LSA7 जनरेट करेगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग रिप डोमेन के नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं और किस तरीके से ये LSA7 जनरेट करता है। ओके, इसके बारे में भी लैब के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। R1 राउटर्स पे अगर मैं बात करूं तो देख लेता हूँ नेट इंटरफेस कौन कौन से हैं। सो आईपी ओएसपीएफ, ओएसपीएफ देख लो। सो आईपी इंटरफेस, एक ही नेटवर्क है अभी भी। मैं लूपबैक असाइन कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, डन। अगेन इंटर लूपबैक 2, 2.1, लूपबैक 3, 3.1, डन। एंड राउटर ओएसपीएफ, सॉरी सॉरी, राउटर रिप वर्जन 2, नो तो समरी नेटवर्क, डन। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं R1 राउटर पे। ये तो आपको पता होंगी सारी चीज़ें कॉमन है। राउटर OSPF प्रोसेस ID 1, रिडिस्ट्रीब्यूशन किसको करेंगे? रिप को करेंगे। ओके, रिप सबनेट मैट्रिक टाइप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 1। मैंने बोला था कॉर्पोरेट में मैट्रिक टाइप आपका 1 ही यूज़ होता है, ठीक है? तो रिडिस्ट्रीब्यूशन मैंने परफॉर्म कर दिया। ओके, मैसेज दे रहा है आपको, कह रहा है कि आपका जो राउटर इज करेंटली एन ASBR वाइल हैविंग ओनली 1 एरिया विच इज स्टब एरिया। आपको समझ में बात आ चुकी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्टब एरिया रिमूव करना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस राउटर को राउटर OSPF 1 Area 5 स्टब, इसको क्या करना पड़ेगा हमें? नो, राइट? इसको हमने नो कर दिया, देन पहले तो हटाना पड़ेगा मुझे। मैं इनेबल कर देता हूँ, सभी को रिमूव कर देता हूँ। अगेन राउटर OSPF 2 नो Area 5 स्टब, डन। R3 राउटर OSPF 3 एंड नो एरिया, एरिया इज 5, राइट? स्टब,
डन। अब मैं R1 राउटर पे आपको चेक कराता हूँ स्टेटस क्या है। नेबरशिप आप पहुंच गई, आप ध्यान से देखें तो सो IP OSPF डेटाबेस, ये देखिए अभी आपका LSA 7 अपडेट हो चुका है, राइट। LSA 7 अभी तक जो आ रहा है इंफॉर्मेशन वो क्या आ रहा है, क्योंकि आपने एरिया में R1 राउटर को, R2 राउटर एंड R3 को NSSA एरिया बना दिया। जैसे ही आपने NSSA, क्योंकि अभी आपने टोटली NSSA नहीं बनाया, इसलिए आपके पास जो Type 3 LSA है मीन्स उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही। क्लियर हो गई बात की। जैसे हो क्या रहा था कि जब भी आप स्टब एरिया बना रहे थे और उसके बाद आप समरी LSA मीन्स Type 3 LSA को रोक रहे थे, तो आपका टोटली स्टब एरिया क्रिएट हो रहा था। इसी तरीके से आपने NSSA एरिया बनाया है, एट दैट टाइम हुआ यह है कि 4 और 5 LSA की इंफॉर्मेशन NSSA एरिया के अंदर अपडेट होना बंद हो चुकी है, राइट। बट अभी भी Type 3 LSA में समरी LSA की इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट हो रही, तो समरी NSA की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है वो सारी चीजें देखते हैं। उसके लिए आपको इसे भी क्या बनाना पड़ेगा, टोटली NSSA एरिया। एक्चुअली अभी आप इधर ध्यान से देखें, जब हम लोग स्टब एरिया क्रिएट कर रहे थे तो बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट राउट ABR स्टब एरिया के लिए जनरेट कर रहा था। इधर आप देखो कहीं भी ABR स्टब एरिया के लिए एक Type 3 LSA 0.0.0 जनरेट नहीं कर रहा है, ओके। इट मींस आपको बता रहा था मैं कि NSSA एरिया के अंदर आपको अगर टोटली NSSA एरिया बनाना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट करना पड़ेगा। मीन्स आपको R3 राउटर पे जाके समराइजेशन को रोकना होगा, ओके। R3 राउटर पे जाके समराइजेशन को रोकना होगा। तो अभी मैं इसको टोटली NSSA एरिया क्रिएट कर देता हूँ तो LSA 3 की इंफॉर्मेशन अपडेट होना बंद हो जाएगी, राइट। तो R3 राउटर पे आप जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, राउट OSPF 3 डन। सेम कमांड Area 5, अभी क्या है NSSA नो समरी डन। मैंने R3 पे नो समरी कर दिया, इट मींस R6 तो ऑलरेडी आपका टोटली स्टब बना हुआ है पहले से, तो R6 के पास तो 1, 2 प्लस एक जो डिफॉल्ट राउट का इंफॉर्मेशन है वो आपका R6 के पास प्रेजेंट होगा, ओके। तो चेक कर लेते हैं आप, हम लोग R1 पे आप चेक कर लीजिए, सो IPOSPF डेटाबेस आपको समरी LSAs की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होगी, बट इस समरी LSA की जगह आपके पास एक डिफॉल्ट राउट होगा, ओके। देख लीजिए समरी एड्रेसेस की इंफॉर्म, नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन अपडेट होना बंद हो चुकी है। बस अभी जो आपने समराइजेशन NSSA के अंदर नो समरी कमांड चलाई है, तो जैसे ही आपने नो समरी कमांड चलाई तो आपका जो NSSA एरिया है ABR ने एक डिफॉल्ट राउट जनरेट कर दिया इन फॉर्म ऑफ LSA 3, ओके। Type 7 LSA एरिया स्पेसिफिक है, मैंने आपको बताया था, तो एरिया स्पेसिफिक का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि Area 5 की इंफॉर्मेशन अटैच है, जबकि आप Type 5 LSA आप चेक करते हो तो उधर कभी भी एरिया की इंफॉर्मेशन अटैच नहीं होती। तो एरिया स्पेसिफिक है तो आपको Type 7 LSA R1 राउटर पे मिल जाएगा, R2 राउटर पे मिलेगा, बट R4 राउटर पे नहीं मिलेगा जो कि Area 0 का पार्ट है, ओके। तो R4 राउटर पे अगर आप इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। मैंने आपको बोला था कि R3 राउटर LSA 7 को ट्रांसलेट कर देगा LSA 5 में, राइट। इट मींस R3 ने ट्रांसलेशन किया होगा LSA 7 का LSA 5 में एंड Area 0 के अंदर फ्लड कर दिया होगा। तो R4 को आप R4 राउटर पे आपको LSA 5 मिल जाएंगे, कौन से, रिप डोमेन के नेटवर्क्स इन फॉर्म ऑफ LSA 5। तो अभी हम लोग R4 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं, इस पर मैं डेटाबेस चेक कर लेता हूँ, सो IPOSPF डेटाबेस डन। देखो ध्यान से, ओके, देखिए
R4 राउटर पे वन की इंफॉर्मेशन, टू, थ्री, क्योंकि R4 राउटर पे तो समरी LSS की इंफॉर्मेशन होगी, मींस टाइप 3 LSA की इंफॉर्मेशन होगी इंटर एरिया की, ओके. बट उसके अलावा R5 मींस जो टाइप 5, देखिए इसमें LSA 7 की कोई इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपसे बोला था जो LSA 7 है वो एरिया स्पेसिफिक है, मींस LSA 7 जो NSA से एरिया है उसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और अगर NSA से एरिया से अदर किसी इंटर एरिया में LSA 7 अपडेट होना है तो जो ABR राउटर है वो LSA 7 को LSA 5 में ट्रांसलेट कर देगा, और अभी देखिए ट्रांसलेट कर दिया है उसने 192.168.1.0, 2.0 एंड 3.0 के जो नेटवर्क हैं, जो रिप डोमेन के नेटवर्क हैं, उन्हें ABR राउटर ने R4 राउटर पे LSA 5 के फॉर्म में ट्रांसलेट करके अपडेट कर दिया है, राइट. जो कि क्या थे, एरिया 5 के अंदर LSA 7, एरिया 5 के अंदर LSA 7, R1 पर देखिए ये शो कर रहे हैं LSA 7 के पार्ट, और इधर आप चेक कर लीजिए R4 पे, तो ये टाइप 5 में कन्वर्ट हो चुके हैं, ओके. तो ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया, बट अभी भी जो आपका एरिया 6 है वो टोटली स्टब है, मतलब इधर आपके पास LSA 5 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी. सो IPOSPF डेटाबेस देखिएगा, बट रीचेबिलिटी आपको मिलेगी R6 से. अगर आप रीचेबिलिटी चेक करेंगे किस डोमेन के लिए, रिप डोमेन के लिए या EIGRP डोमेन के लिए, तो आप देखिए R6 से आपको रीचेबिलिटी चेक करा देता हूं. सो IP राउट OSPF डिफॉल्ट राउट है, डिफॉल्ट राउट से आप ABR तक पहुंच जाएंगे, और ABR के पास EIGRP डोमेन के कंप्लीट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, एंड रिप डोमेन के कंप्लीट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, एंड इंटर एरिया जितने भी एरियाज कनेक्ट है OSPF डोमेन में उन सभी की इंफॉर्मेशन होगी, ओके. तो मैं R6 राउटर से मैं कनेक्टिविटी करता हूँ पिंग 10.10.1.1 की, डन हो रहा है. मतलब मैं EIGRP डोमेन की जो कि एक्सटर्नल नेटवर्क है उन तक रीचेबल है आपका R6 2.1, डन. अब मैं रिप के साथ रीचेबिलिटी चेक करता हूं, राइट. देन रिप जो नेटवर्क है वो 192.168.1.1 नेटवर्क है, रीचेबिलिटी डन 2.1, अच्छे से रीचेबल है. सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया है, डेटाबेस के साइज को रिड्यूस कर लिया है स्टब एरिया क्रिएट करके, टोटली स्टब एरिया क्रिएट करके, ओके. बट एक कॉन्सेप्ट था कि जिस राउट, जिस एरिया को हम स्टब बना देंगे उस एरिया में LSA 5 जनरेट नहीं हो सकते, अपडेट नहीं होंगे, तो फिर उसी एरिया के अंदर कोई ASBR कैसे बना सकते, लॉजिक ही नहीं. ASBR तो LSA 5 भेजेगा, LSA 5 अगर स्टब एरिया है तो LSA 5 रिसीव नहीं करेगा, इसलिए NSA से एरिया का कॉन्सेप्ट आया. और उसके बाद NSA से एरिया में आपको ध्यान रखना है, केवल NSA से एरिया काम नहीं करेगा, आपको टोटली NSA से एरिया बनाना ही होगा, क्योंकि अगर आप टोटली NSA से एरिया नहीं बनाओगे तो R3 एक डिफॉल्ट राउट इन फॉर्म ऑफ LSA 3 अपडेट नहीं करेगा NSA से एरिया के अंदर, और अगर डिफॉल्ट राउट अपडेट नहीं करेगा तो फिर ये जितने भी EIGRP के डोमेन में नेटवर्क रनिंग में है ये रीचेबल नहीं हो पाएंगे, राइट. अभी मैं आपको रिप टू EIGRP और EIGRP टू रिप की रीचेबिलिटी भी चेक करा देता हूं. R1 राउटर पे आपका रिप डोमेन कनेक्ट है, देन आप EIGRP डोमेन को पिंग कर सकते हो 10.10.1.1 विद सोर्स इंटरफेस 168.1.1, राइट. आपका जो 192.168.1.1 है ये रिप डोमेन का नेटवर्क है, और आपका जो 10.10.1 है ये EIGRP डोमेन का नेटवर्क है. मैं रीचेबिलिटी चेक कर लेता हूँ, 100% सक्सेस. समझ में आ गई बात आपको, आई थिंक. मुझे लग रहा है मैंने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए इसके अंदर. आपके LSAs को भी मैंने जो भी स्टब एरिया टोटली स्टब एरिया, NSA से एरिया टोटली NSA से एरिया, LSA 7 किस तरीके से जनरेट होगा ASBR राउटर पे, और LSA 7 एरिया स्पेसिफिक है इसलिए अदर एरिया में अपडेट नहीं होगा, उसके लिए ABR ट्रांसलेशन करेगा LSA 7 टू LSA 5.
मीन्स LSA 5 एरिया इंडिपेंडेंट है, तो जैसे ही ट्रांसलेशन ABR करेगा वो कंप्लीट इंटर एरिया डोमेन जो पूरा का पूरा OSPF का डोमेन है उसमें फ्लड कर जाएगा LSA 5, और रिक्वायरमेंट होगी तो उस एरिया के अंदर LSA 4 भी अपडेट होगा जिस एरिया में कॉस्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली, आई थिंक मुझे लग रहा है सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, कुछ वर्चुअल लिंक्स के बारे में बात करेंगे, प्लस GRE टनल के बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से एक रिडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।